विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है। इसी के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। अस्थमा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब ठीक से श्वास नहीं ले पाना या मुंह से श्वास लेना है। अस्थमा से ग्रस्त मरीजों के सांस की नलियों में सूजन आ जाती है जिससे नलियां सिकुड़ जाती हैं और मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है। आम तौर पर कहा जाता है कि प्रदूषण, धूल और धुएं के ज्यादा संपर्क में रहने से अस्थमा का खतरा होता है। बड़ों के साथ अब ये बीमारी बच्चों में भी होने लगी है। वर्तमान में कई खतरनाक बीमारियों में से एक अस्थमा भी है। बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में करीब 23 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। वर्तमान में अस्थमा से भारत में लगभग 3 करोड़ लोग ग्रसित हैं। विश्व अस्थमा दिवस के दिन इस गंभीर बीमारी के प्रति सचेतनता संदेश जारी किए जाते हैं तथा इससे बचाव के उपाय बताए जाते हैं। धन्यवाद।